हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग दो चीज़ पढ़ चुके हैं, जो कि है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जो कि एक वर्क जो हमारा वर्क डन होता है उसी का एक फॉर्म होता है। ठीक है, और वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। अब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता था टोटली आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था, और काइनेटिक एनर्जी टोटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था। उसके बाद हम लोग पढ़े नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता था, एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाइड होता था। तो अगर वो एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड हो रहा है तो फोर्स के कारण वर्क डन भी हो रहा होगा, और उस वर्क डन के कारण कुछ एनर्जी जनरेट भी हो रही होगी। तो वो कौन सी एनर्जी है? अभी तक तो हम लोग सिर्फ दो ही एनर्जी के बारे में पढ़े हैं। वैसे तो हम लोग क्लास 9th में फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ कुछ पढ़े भी हैं। चलिए फिर से एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर डीप में गए तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। फिर भी हम लोग एक एक पॉइंट को टच कर जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो है आज का टॉपिक वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे अंदर में आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर हम कोई सिस्टम लें तो उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, सिर्फ एक दूसरे से चेंज हो सकती, इंटरचेंज हो सकती है एनर्जी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका हीट एनर्जी। ये बहुत ही पॉपुलर है, और हीट एनर्जी को ही हम लोग लास्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी बोला जाता है। लास्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी का जब हम यूज करते हैं तो जो उसका एंड है एनर्जी का, वो आखिरी में जाके हीट में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। इसको हम लोग हीट एनर्जी के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़े थे, फ्रिक्शन फोर्स, जो कि एक मूविंग कार पे लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स। अब जब मूविंग कार पे वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो कोई मूविंग कार उसको रोकने के लिए लगेगा। अब जब रोकने के लिए लगेगा तो जो ऐसे फ्रिक्शन बन रहा है कार के टायर और रोड के ऐसे साथ में, उससे हीट जनरेट होता है। क्या होता है? हीट जनरेट। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो हीट, जो फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्कडन कर रहा था किस पे, कार पे, तो उससे जो एनर्जी बनी ना तो वो पोटेंशियल एनर्जी थी ना ही वो काइनेटिक एनर्जी, बल्कि वो क्या हो गया, हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुआ अलग से। समझ रहे हैं बात को? तो अगर मैं एक सिस्टम बनाऊं, अब ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप किसको सिस्टम मानते हैं। ठीक है, अगर आप मतलब कि रोड कार और रोड और कार दोनों को एक सिस्टम मान के चलेंगे तो उसकी जो एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो कंजर्व रहेगी। पर अगर आप सिर्फ कार को ही एक सिस्टम मानते हैं तो रोड उसके अंदर में नहीं आया। अब जब रोड नहीं आया तो उस टाइम पे आपको एनर्जी में डिफरेंस दिख सकता है। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि सन से जो हीट एनर्जी निकल रही है हमारे अर्थ में, ठीक है, तो अर्थ को अगर एक सिस्टम मानते हैं तो सन जो है वो एक एक्सटर्नल एनर्जी हमारे अर्थ में भेज रहा है, और वो एज ए फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी और काफ़ी सारे एनर्जी के फॉर्म में भेजता है। ठीक है, पर अगर मैं एक यूनिवर्स को ही पूरा सिस्टम मान लूँ, ठीक है, तो पूरा सिस्टम क्या है, एक कंजर्व्ड हो जाएगा। मतलब कि सन भी तो हमारे यूनिवर्स के अंदर आ गया, तो उससे जो एनर्जी निकली तो वो हमारे अर्थ पे आए, फिर वो हीट के फॉर्म में चेंज हुआ, हमारे अंदर आया, प्लांट में गया, बहुत सी चीज़ों में चला गया। कहने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर है कि हम किसको सिस्टम माने, तो सिस्टम जिसको भी मानेंगे हम उसकी एनर्जी को देखना है कि वो एनर्जी कंजर्व हो पा रही है कि नहीं, और अगर नहीं हो पा रही है तो वो किस फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, तो जैसा कि फ्रिक्शन फोर्स में क्या हुआ था, फ्रिक्शन फोर्स में जब ऐसे घिसटाव हुआ, फ्रिक्शन बना, तो उससे हीट एनर्जी निकली। इसको आप अलग तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे हाथ है तो हाथ को अब जब हमने रब किया, देखिए इस टाइप से, तो आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये जो है ये साउंड एनर्जी है, मतलब कि घिसने के कारण जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, इससे फ्रिक्शन बना, फ्रिक्शन बनने से हीट एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। मतलब कि हमारा हाथ थोड़ी देर बाद, पाम जो है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, पहला। सेकंड चीज, इससे आवाज भी आ रहा है, मतलब कि कुछ एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो
एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है अलग अलग फॉर्म में, इसलिए हमको पढ़ना है वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी कि क्या क्या होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हीट एनर्जी क्या होता है। हर चीज में आपको हीट एनर्जी दिखेगा, चाहे आप कुकिंग कर लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जब चलती है, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब चलती है तो वो भी वायर को गर्म कर देती है, या मोबाइल आप चला रहे हैं तो वो भी मोबाइल थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। हर फॉर्म में आपको हीट एनर्जी दिखेगा क्योंकि हीट एनर्जी इज द लास्ट फॉर्म। ठीक है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि समझ लीजिए मोबाइल आप चला रहे हैं, मोबाइल आपने चलाया, अब देखिए एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता। मान लीजिए मोबाइल चला रहे हैं और मोबाइल चलाते चलाते आपका एनर्जी बैटरी है वो कंज्यूम होते जा रहा है। अब बैटरी कंज्यूम हो रहा है एक एग्जांपल में, ठीक है, तो देखिए उसमें से क्या क्या हो रहा है। एनर्जी बैटरी कंज्यूम हो रहा है तो मोबाइल का प्रोसेसर चल रहा है, मोबाइल का प्रोसेसर चलने के बाद में आपका डिस्प्ले चल रहा है और अंदर में काफ़ी ग्राफिक्स कार्ड है वो भी चल रहे हैं, सब के सब चल रहे हैं, बट एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता। तो एनर्जी गया कहाँ? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, लाइट एनर्जी से हम उसको देख पाए। अब लाइट एनर्जी हमारे आंखों में पड़ी, ठीक है, अब प्रोसेसर भी तो बैटरी खा रहा है, तो प्रोसेसर बैटरी को यूज़ किया, ठीक है, उसकी एनर्जी को यूज़ किया, अपना प्रोसेस किया, उसको छोड़ दिया। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में चली गई? वो एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल के बाहर आ गई, हमारे एटमॉस्फेयर में वो घुल गया, मिल गया। समझ रहे हैं बात को? तो आजकल देखे होंगे आपने कि 7 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर बनाया जाता है, मतलब ऐसे प्रोसेसर्स जो हीट को कंज्यूम, मतलब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस ना करें। अगर हीट को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जो डिवाइस है वो ज़्यादा इफिशियंट रहेगा, क्योंकि लास्ट फॉर्म ऑफ प्रोसेसर क्या है, उसको हीट में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ठीक, आई होप आपको हीट एनर्जी समझ में आ रहा होगा। आपके मन में जो भी, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें भी हीट एनर्जी, इसमें भी हीट, मैक्सिमम आप जितने भी डिवाइस देखेंगे सब में आपको हीट एनर्जी तो मिलेगा ही। ठीक है, ठीक, चेक चेक। तो सेकंड है हमारा केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी भी एक रिवोल्यूशन था हमारे ह्यूमन के लाइफ में। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इससे पहले देखिए मैकेनिकल एनर्जी समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैकेनिकल एनर्जी, इसके बारे में तो आप पढ़ ही चुके होंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, कि टोटल सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी, यही होता है। अब देखिए मैकेनिकल एनर्जी में क्या है कि कोई भी चीज़ मैकेनिकली हमको करना है। तो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन था केमिकल एनर्जी में कि दो पत्थर को, स्टोन को ऐसे घिसटाते थे हम लोग बार बार, तो मैकेनिकली हम लोग काम कर रहे हैं। जब ऐसा करने लगे तो उसमें से चिंगारी निकला, स्पार्क निकला, और स्पार्क को अगर सूखी पत्ती में छोड़ दिया गया तो उससे क्या हुआ, उससे हीट जनरेट हुआ। मतलब कि जो हीट, जो भी एनर्जी हमारे पास में, तो जो स्पार्क निकला वो जाके लीव्स के साथ में केमिकल रिएक्शन किया, और जब केमिकल रिएक्शन किया तो केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वो ब्रेक होगा, वो अपने एटम के स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करेगा। अब देखिए कोई भी चीज़ का जो लास्ट फॉर्म है वो क्या है आपका, वो आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ही मिलने वाला है लास्ट फॉर्म। बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन ये सब मिलके क्या बनते हैं, एटम्स बन जाते हैं हमारे, और एटम का स्ट्रक्चर को चेंज होते होते हमको अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है इससे, मतलब कि केमिकल एनर्जी, अभी केमिकल क्या होता है कि जब मैकेनिकली कुछ करते हैं हम तो एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, तो एटम का जो फॉर्मेशन है वो चेंज होते जाता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज होगा, ब्रेक होगा, मतलब कि एक्सटर्नली कुछ एनर्जी हम दिए उसको और वो अपने एटम के स्ट्रक्चर को चेंज किया, और इसको सबसे बड़ा रिवोल्यूशन माना गया था इसमें केमिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी क्या है, जस्ट चेंज द फॉर्मेशन ऑफ द एटम स्ट्रक्चर। अब केमिकल एनर्जी से काफ़ी कुछ है, समझ लीजिए कि हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को गला के हमको एक टब बनाना चाहते हैं, या फिर प्लास्टिक को गला के और कुछ बनाना चाहते हैं, मतलब जो एटम है, एटम के स्ट्रक्चर को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लोहा है, आयरन है, आयरन को हम लोग हीट करते हैं, उसमें केमिकल बॉन्डिंग करते हैं कुछ, और आपका आयरन है, आयरन के साथ में एलॉय और भी मटेरियल मिला के उसको एलॉय बना देते हैं। तो इस टाइप का केमिकल बॉन्डिंग को जो चेंज करना होता है, वैसे आप इस चीज़ों के बारे में केमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ना कि फिजिक्स में। ठीक है, तो ज़्यादा होप मत रखिएगा कि इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल एनर्जी में दो चीज़ें आती हैं, मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, आपको केमिस्ट्री में वैसे ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, जिसमें से हीट रिलीज होगा और इसमें हीट
ऑब्जर्व होगा, मतलब कि ऐसी चीजें, समझ लीजिए किसी चीज को अगर हम जला रहे हैं, जैसे कोल है, कोल को जब हम जलाते हैं तो उसमें से हीट रिलीज होता है, तो वो सब के सब केमिकल रिएक्शन में किस में आएगा, एक्सोथर्मिक में आएगा। एक्सो मतलब बाहर निकल रहा है, एंडो मतलब इन हो जा रहा है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट को ऑब्जर्व करेगा। अब आप इसको हीट को ऑब्जर्व करने का मतलब समझ सकते हैं कि किसी चीज को आप गर्म कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज हो, जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते टाइम में आप नीचे से हीट दिए, उस हीट को हमारा जो फूड है वो ऑब्जर्व कर रहा है और अपने अंदर में रख रहा है, इस टाइप से बोल सकते हो आप। तो उसकी जो फूड का जो भी प्रोसेस है वो केमिकल रिएक्शन होता है और वो अपने प्रोसेस को चेंज करता है। जैसे कि हम खाना बनाते हैं, तो समझ लीजिए आलू बना रहे हैं या कोई भी सब्जी बना रहे हैं, तो वो हीट को ऑब्जर्व करता है, अपने केमिकल चेंज, अपने अंदर के केमिकल प्रोसेस को प्रोसेस होने देता है, और उसके बाद हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं और हमें टेस्ट लगता है। पुराने टाइम पर हीट, ये जो आपका हीट जो था वो हम नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि जो फायर था वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, तो कच्चा ही खा जाते थे, पर धीरे धीरे चेंज आया और आज के डेट में हम उसका काफी अच्छे से यूज कर रहे हैं इस रेवोल्यूशन में, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में है हीट ऑब्जर्व, तो आपको पता चल गया आपकी हीट किसी भी चीज में, आपके ऊपर में जो भी आपको ऐसा दिखता है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा, शायद मेरे माइंड में उतना चीजें नहीं आ पा रही हो, आपके माइंड में आती होंगी, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो जो भी ये वीडियो देखेगा उसको उसके बारे में भी पता चलेगा कि हाँ इसमें से हीट ऑब्जर्व होता है या इसमें से हीट रिलीज होता है, कितना हीट रिलीज होगा, कितना हीट ऑब्जर्व होगा, ये सारे प्रोसेस जो है वो सब के सब केमिकल एनर्जी के अंदर में ही आते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी हमने पढ़ चुका है, जो भी मैकेनिकली वर्क होता है, चाहे आप गाड़ी ले लीजिए, चाहे हम खुद चल रहे हैं, किसी चीज को हम धक्का दे रहे हैं, ये जितनी भी चीजें हैं जो हम मैकेनिकली चीजें देखते हैं, ठीक है। मैकेनिकली मतलब क्या, जो चीजें हम देख सकते हैं कि हाँ ये चेंज होते जा रहा है, वो सब के सब मैकेनिकली है, मतलब हम जिस पे वर्क कर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा हमको, हम जो वर्क करते हैं, सिस्टम अपने द्वारा वर्क नहीं करता, जैसे केमिकल एनर्जी है, तो हम क्या करते हैं उसमें, कोई चेंज हम नहीं करते, हम उसके साथ में रिएक्ट करते हैं और वो अपने आप प्रोसेस में आता है, ठीक है। हीट, हीट हम नहीं लाते हैं, हीट कैसा होता है कि हमने उसको कुछ दिया और ऑटोमेटिक उसमें से हीट जनरेट होता है, पर मैकेनिकल क्या, मैकेनिकल हम काम करते हैं और उसका एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। ठीक, फिर उसी के बाद आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल। इसके बारे में आपने काफी कुछ 10th के फिजिक्स में पढ़ा है और बहुत ज्यादा डिटेल में आप अगले 12th के फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, जो हमारे घरों में जो बिजली आती है उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, जैसे कि वोल्टेज है, करंट है, इन चीजों को हम किस में लेके आते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट में कितना, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस टाइप से भेजा जाता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया जाता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं काफी कुछ, 9th में भी आपने इसके ऊपर में शायद पढ़ा है, नहीं 10th में ही आपने इसके ऊपर में ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, और होम हाउस में जो भी हमारे चीजें यूज होती हैं उसमें भी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही यूज करते हैं। आज के डेट में आप मान लीजिए कि 99 तो नहीं, समझ लीजिए 90% तो कम से कम ऐसे इक्विपमेंट होंगे जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, और बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हीट एनर्जी में ही जाके कन्वर्ट हो जाता है, चाहे आप कोई भी सिस्टम ले लीजिए, इंडक्शन ले लीजिए, माइक्रोवेव ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, सारे के सारे आधे ज़्यादा सब के सब फिर फॉर्म में हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लास्ट, या फिर इसको आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हिंट देते जा रहा हूँ कि कौन सी एनर्जी कैसी होती है, किस जगह में यूज होती है, इन सभी के ऊपर में डिटेल में अलग अलग चीजें बताई गई है। जैसे केमिकल एनर्जी के बारे में आप केमिस्ट्री में तो पढ़ेंगे ही डिटेल में, हीट एनर्जी इज द लास्ट फॉर्म है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं होती है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब हम जो भी चीजें करते हैं वो सब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर ही आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में आप 12th में पढ़ेंगे ही, और इलेक्ट्रिकली मतलब आपके आजू बाजू में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखाई देती है उससे जो भी काम हो रहे हैं वो सब के सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही आता है। न्यूक्लियर एनर्जी, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है 12th में, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि 11th में क्यों दे दिया गया है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, कि जिज्ञासा थोड़ी सी बढ़ाने के लिए कि हाँ इस टाइप की भी एनर्जी फॉर्म होती है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी एक रिवोल्यूशन था आपका, हमारे ह्यूमन के जो लाइफ है उस पे, क्योंकि एनर्जी को कंज्यूम, एनर्जी को यूटिलाइज करना बहुत ही मुश्किल से। एक एग्जांपल बताता हूँ, इसी पे वर्क भी करता है। आइंस्टीन का एक इक्वेशन है E इक्वल टू
एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे देखिए, अगर मैं एक केजी मास लेता हूं, मान लीजिए एक केजी का मास का कुछ भी ले लेता हूं और इसकी एनर्जी को मैं यूटिलाइज करना चाहता हूं, एक एग्जांपल एक केजी ना, मतलब वन सी होता है 3 × 10⁸ का स्क्वायर, मतलब कि 3 × 9 × 10⁸ = 16, ठीक है, जूल एनर्जी। और ये काफी ज्यादा एनर्जी होती है, एक ह्यूमन आदमी मतलब एक हाउस जो है वो पूरे साल भर एनर्जी को यूज कर सकता, यूज जो करता होगा वो उतना इसके बराबर में होता है। तो पॉइंट यहां पास में ये है कि आप समझ सकते हैं, एक केजी, अब एक केजी अगर आप कोयला जलाते हैं मान लीजिए, ठीक है, तो आपको कितनी एनर्जी मिलती होगी, हजारों टन कोयला जल जाता है तब जाके हमारे घरों में बिजली आती है और वो हम यूज कर जाते हैं। मतलब कि जो भी चीज हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एक्चुअल में वो एनर्जी पूरा ही हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि 5%, 2%, 5% ऐसी कुछ आसपास ही यूज कर पाते होंगे, और बाकी जो एनर्जी है वो हम अलग फॉर्म में, कहीं हीट में, कहीं केमिकल में, या फिर आप बोल सकते हैं हीट एनर्जी में ही मैक्सिमम हम वेस्ट कर जाते हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता। पर अगर कोई मास है, ठीक है, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज वन केजी का है, और उसको अगर हम उसकी पूरे पूरे मास को एक एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि एनर्जी नेवर बी क्रिएटेड नेवर बी डिस्ट्रॉयड वाला फॉर्म था ही, तो आइंस्टीन जब आए तो उन्होंने बोला कि एनर्जी कोई अलग से नहीं आया गया है, मतलब कि एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ मास, मास ही आपका एनर्जी है, एनर्जी ही आपकी मास है, मतलब ऑब्जेक्ट जो मैटर बोलते हैं, मैटर के पास में जो मास होता है, समझ रहे हैं, तो एनर्जी ही मैटर है, मैटर ही एनर्जी है। तो इस कंसेप्ट पे लेके चल के उन्होंने काफी रेवोल्यूशन लाया, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, और इसी पे फिर न्यूक्लियर एनर्जी बनाया गया, जिसपे दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है फिजन और दूसरा होता है फ्यूजन। तो फिजन रिएक्शन क्या होता है, फिजन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, कोई दो एलिमेंट लीजिए और दो एलिमेंट को, एक एलिमेंट लीजिए और उस एलिमेंट को ब्रेक करने की कोशिश करें, जैसे कि यूरेनियम, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, और जब उसको हम ब्रेक करते हैं तो वो क्या होता है, बेरियम और किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बारे में आप 12th में तो पढ़ेंगे, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। तो समझ लीजिए कि यूरेनियम को आपने ब्रेक किया तो उसमें से दो एलिमेंट्स निकले अलग अलग, कुछ भी निकल सकता है, क्रिप्टॉन शायद नहीं निकलता, बेरियम ही निकलता है अभी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभी, ठीक है, प्लस समथिंग निकलता है। पॉइंट ये था कि यूरेनियम का जो भी मास था, यूरेनियम का जो भी मास था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू इसके मास के मुकाबले। अब अगर ऐसा है तो देखिए, इसका मास कम हो गया, अब इसको इसको बराबर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, तो इसका मास ये ब्रेक किया, अगर मैं समझ लीजिए कोई कुछ भी टुकड़ा है, समझ लीजिए कोई भी चीज का लकड़ी का टुकड़ा, उसको तोड़ूंगा तो दो टुकड़े का जो भी मास होगा वो जब ज्वाइंट था तो उतना ही उसका मास होना चाहिए था, एक एग्जांपल है। तो देखिए, तो इसका मास इसके मतलब बराबर होना चाहिए, पर मास में डिफरेंस आ गया, मास में डिफरेंस आया तो गया कहां एनर्जी, मतलब कि ये मास गया कहां, वो मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और उसी का यूज हम लोग इसमें करते हैं, इसमें इसको हम मास डिफेक्ट के नाम से जानते हैं, मास डिफेक्ट, जिसको हम डेल एम बोलते हैं, और यही एनर्जी का यूटिलाइज होता है, डेल एम सी स्क्वायर। तो ये जो मास का जो डिफेक्ट आया वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी हमको मिलती है न्यूक्लियर फिजन में, ठीक है, और यही आज के डेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज हो रहा है। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में दो एलिमेंट को जोड़ के एक सिंगल एलिमेंट बनाया जाता है, और उसके लिए बहुत ही हाई अमाउंट में हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पहले हीट पड़ती है सबसे ज्यादा, जो उसको जोड़ पाए। अब किसी भी चीज को जोड़ना है तो मान लीजिए आप लोहे को जब जोड़ते हैं तो उसको हीट करते हैं ना, वैसे ही कुछ है ये भी। तो सन का जो एनर्जी सोर्स है वो भी फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर में ही है। तो इसमें होता क्या है कि दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन जाते हैं, और हीलियम का जो भी मास है, और दो हाइड्रोजन का जो भी मास है, तो हीलियम का मास जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू दो हाइड्रोजन के मास के बराबर। तो उसमें से भी कुछ एनर्जी, कुछ मास कम हो गया, अब कुछ मास कम हो गया तो वो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें और इसमें फर्क यही है, फिजन में आपको जो एनर्जी मिलती है वो थोड़ी कम मिलती है, और ये जो फ्यूजन रिएक्शन है इसके लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए, बट इसका एनर्जी जो है
वो बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में होता है फ्यूजन रिएक्शन में। ठीक है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब कि इसके ऊपर में मान लीजिए अभी तक बना ही नहीं है, मतलब कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा नहीं है जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे एनर्जी को जनरेट करता है, क्योंकि इतना एनर्जी जनरेट होता है कि कंट्रोलेबल, पहली बात तो रिएक्शन कराना ही इतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट चाहिए इसको रिएक्शन करवाने के लिए कि हमारे पास में अभी ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि इतना एनर्जी को हम पहले हीट को प्रोड्यूस करके वहां पास में रहें और उसको रिएक्शन करवाएं। जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास में ऐसा भी इक्विपमेंट नहीं है जो उतनी एनर्जी को रिलीज होगा जब तो उसको कहीं स्टोर करके यूज कर पाए, ऐसा भी नहीं है फिलहाल में। तो फ्यूजन रिएक्शन को तो ड्रॉप ही रखिएगा। वैसे इसके बारे में डिटेल में आपको 12th के न्यूक्लियर का पूरा चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सब चीजें जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर में आता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब कि जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं, या न्यूक्लियर का पार्ट पढ़ रहे हैं, या कोई भी जो पार्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है, मतलब कोई भी टॉपिक है उसको जब पढ़ते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो सूटेबल होने चाहिए हर फॉर्म में। और फिलहाल में अभी ऐसा कोई चीज नहीं मिला है जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है, अभी तक तो फिलहाल में ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या पता फ्यूचर में आ जाए ऐसा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो फॉलो ना करे, पर फिलहाल में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए फिजिक्स ऐसा चीज है कि हर साइंटिस्ट कुछ ना कुछ तो चेंज करते जाता है, मतलब सुधार भी कर सकता है या थ्योरी को क्या है कि चेंज भी कर सकता है जो लॉ है। तो फिजिक्स कभी भी एक स्टेबल फॉर्म में नहीं रहता, हमेशा उसमें चेंज होने की गुंजाइश बनी हुई रहती है। तो फ्यूचर में देखते हैं, क्या पता आप में से कोई साइंटिस्ट हो जो कुछ चीजों को चेंज कर जाए, इसको आप बोल सकते हैं। जैसे कि मैक्सवेल है, तो मैक्सवेल ने काफी कुछ चेंज किया था, न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उसके बाद भी उस पर कुछ ना कुछ कमी निकली जा रही थी। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे जो उन्हीं के स्टूडेंट थे और उन्होंने ही काफी कुछ चेंज करके बताया था। अब आने वाले समय में आपको एडियाबेटिक एंड ये प्रोसेस करके कुछ मिलेगा, उस पर आपको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एडियाबेटिक और याद नहीं आ रहा मुझे क्या है वो, तो एक्सोथर्मिक और एडियाबेटिक प्रोसेस, उस पर डिटेल में हम लोग ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे चेंज आया, कैसे रिवोल्यूशन, मतलब कैसे एक साइंटिस्ट के चीज़ को चेंज किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात भी होती है कि हम चेंज ला रहे हैं मतलब चीज़ों पे, पर एक सही वे में जाना चाहिए बस, ठीक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अब यहीं क्लोज करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं इस पर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो पावर पे रहेगा। आपके मन में कोई डाउट आता है या ऐसा कुछ आपको लगता है कि हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, मतलब इन टॉपिक्स के अंदर में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे लोगों को भी ज़्यादा जानकारी होगी कि हाँ ऐसा भी केमिकल प्रोसेस होता है, या न्यूक्लियर एनर्जी का ऐसा यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे किया जा रहा है। जो भी आपके मन में, आपको जो भी नॉलेज है, आप कमेंट के थ्रू जरूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।